नहीं नहीं बिल्कुल मुमकिन तो था, क्योंकि इंडिया जैसी टीम, इंडिया की जैसी बैटिंग लाइन है वैसी तो पूरे वर्ल्ड में किसी की नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कौम के लिए खेलते हैं, वो मुल्क के लिए खेलते हैं। जो टीम अच्छी परफॉर्मेंस देगी वही जीतेगी, लाजमी सी बात है। अच्छी परफॉर्मेंस देने की वजह से, वो भी उनके होम ग्राउंड में। देखो मुझे इंडिया की टीम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्रिकेट के लिहाज से अगर आप देखा जाए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक से बढ़ के एक बैट्समैन उनके पास आ रहा है, एक से बढ़ के एक स्पिनर उनके पास आ रहा है। फास्ट बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी निकल के आ रहे हैं। ठीक है, इसके देखें आप, वो पहला मैच वो 36 रन पे वो ऑल आउट हो गए थे, देखें उनकी हिम्मत नहीं आ रही, फिर वो फिर अच्छा खेलते खेलते देखें आज वो सीरीज जीत गए। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई, और आपसे अनुरोध है कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एक एक लाइक करें। आइए देखते हैं इस वीडियो को। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? सलाम, शाहजेब। शाहजेब ये बताएं, फोर्थ टेस्ट मैच इंडिया जीत चुकी है, जिस तरह कम बैक किए, पहला मैच लोवेस्ट स्कोर पर हारी है, क्या ऐसा मुमकिन था? आपको यकीन हो रहा है कि इंडिया जीत चुकी है? सर यकीन तो नहीं हो रहा सर, सारी बात है मेहनत की। हमारी टीम पाकिस्तान है, ये मेहनत करती नहीं, इनको अपने भरोसा ही नहीं है। असल में उनको यहाँ पर तरजीह दी जाती है, इंडिया में तरजीह जाती है क्रिकेट, और हमारे में इतना देखा नहीं जाता, टैलेंट को पीछे रखा जाता है, पर्ची को आगे रखा जाता है। इस वजह से हमारी टीम कभी अच्छा कमबैक किए नहीं, जैसे आप मोहम्मद आमिर को देख लें, अभी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं जिनको अभी अब्दुल रजाक को जैसे पर्ची की वजह से बाहर किया गया था, कोई समझा नहीं आता, अच्छे प्लेयर को अहमियत नहीं जाती। पर देखा जाए वो अपनी टीम के लिए मेहनत करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनकी आवाम भी सपोर्ट करती है उनको, इस वजह से वो अपने भरोसा रख के खेलते हो तो इंशाल्लाह फिर जीतेंगे। अगर हमारी टीम पाकिस्तान ऐसी करे तो हम भी जीतेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। ये जो इंडिया की जीत हुई है, इसमें आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम डगमगा गई थी या इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया? सर जो टीम अच्छी परफॉर्मेंस देगी वही जीतेगी, लाजमी सी बात है। अच्छी परफॉर्मेंस देने की वजह से, वो भी उनके होम ग्राउंड में, देखा जाए इतनी तेज पिच है और इतने अच्छे बॉलर उनके पास, हेजलवुड, स्टार्क, अच्छे अच्छे बॉलर थे। पर लाजमी सी बात, आप देखें कारगर्दगी अच्छी थी, जैसे उनके कैप्टन ने उनको दिया होगा, कोच ने भरोसा दिया होगा। आज का जो मैच हुआ है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, पहला मैच बुरी तरह हारने के बाद काफ़ी तनकीद का निशाना बनी इंडिया की टीम, हिस्ट्री का लोवेस्ट स्कोर बनाया उन्होंने पहले टेस्ट मैच में, उसके बाद दूसरा मैच जीता, तीसरा ड्रॉ किया और चौथा मैच में इस तरह जीतना, क्या ऐसा मुमकिन था? वजह क्या लगती है इसकी आपको? यंग टीम थी। देखो यंग टीम है, वो अपनी हार से सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे वाले ये नहीं करते, हमारे वाले एक दूसरे के ऊपर डाल रहे होते हैं कि ये कोचिस का मसला है या कोच है या वो है। हमें देखो इंडिया से सीखना चाहिए, इंडिया देखो आईपीएल करवा रहा है। देखो मुझे इंडिया की टीम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्रिकेट के लिहाज से अगर आप देखा जाए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक से बढ़ के एक बैट्समैन उनके पास आ रहा है, एक से बढ़ के एक स्पिनर उनके पास आ रहा है। फास्ट बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी निकल के आ रहे हैं। तो इंडिया में ये चीज़ है, अगर वो प्लेयर को लेके आते हैं तो वो उनको आगे लेके आते हैं। अब देखो टाइम देते हैं, अब पड्डीकल उनके पास आया है, उसने आईपीएल में काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है पड्डीकल जो है, अब वो देखो आगे उनको भी एक अच्छा बैट्समैन लेके सामने लेके आएंगे। क्या ये आईपीएल का नतीजा है? पाकिस्तान को भी पीएसएल से इस तरह यंग लड़के उनको ग्रूम करना चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए, पाकिस्तान को भी नए लड़कों को आगे आना चाहिए, खिलाना चाहिए उनको, उनको पूरा पूरा मौका देना चाहिए। कम से कम ये इंडिया को देख लें कि इंडिया वालों ने नए लड़कों को खिलाया, वो आगे आए, वो टीम उनकी मजबूत हो, ईरान भी उनकी टीम मजबूत होगी, लड़के आगे खेलेंगे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों का भी इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कितने अच्छे अच्छे प्लेयर इन्होंने बाहर किए हुए हैं, वो आगे आ जाएं तो मेरे ख्याल में बहुत खुशाइन बात है। ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड था कि तकरीबन 32 साल से ऑस्ट्रेलिया इस ग्राउंड में कोई भी टेस्ट मैच हार ही नहीं थी, तो वो रिकॉर्ड भी जो है ना टूट चुका है। तो क्या पाकिस्तान में और इंडिया में जो मेन फ़र्क है वो आपको क्या नज़र आता है इन टीमों में? इनके जो कोचेस हैं ना, वो अपने प्लेयर के ऊपर मेहनत करते हैं, ठीक है, वो उनको आपस में जोड़ के रखते हैं, ठीक है। इसके देखें आप, वो पहला मैच वो 36 रन पे वो ऑल आउट हो गए थे, देखें उनकी हिम्मत नहीं आ रही, फिर वो फिर अच्छा खेलते खेलते देखें आज वो सीरीज जीत गए। तो ये हमारी टीम को भी चाहिए, हमारे कोचों को भी चाहिए कि ये जो पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं उनके साथ वो कोऑपरेट करें। मेन चीज़ है कि टीम में यूनिटी लाए और जो हेड हो वो पूरी टीम को अपने साथ लेकर जोड़ के रखे, उसको जोड़ के रखे, आपस में मिला के रखे, ठीक है, हर किसी के साथ अच्छा बर्ताव करे। अभी यूनुस खान को तो, वो वकार यूनुस को तो हटाना चाहिए, मैं तो नहीं मानता, उन्होंने हमारे प्लेयर बहुत ख़राब किए हैं। आपको भी लगता है कि फॉरेन जो कोचेज हैं उनको हायर करना चाहिए? हाँ, उनको चेंज करना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल मुमकिन तो था, क्योंकि इंडिया जैसी टीम, इंडिया की जैसी बैटिंग लाइन है वैसी तो पूरे वर्ल्ड में किसी की नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कौम के लिए खेलते हैं, वो मुल्क के लिए खेलते हैं। तो अगर पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी टीम, माजरत पाकिस्तानी टीम अगर अपने कौम और मुल्क के लिए खेलने लग जाए तो पाकिस्तान भी वही सब कर सकती है जो आज इंडिया ने किया है।
उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो डेब्यू खिलाड़ी होते हैं उनमें ज्यादा हौसला होता है बनिस्बत दूसरे के, क्योंकि वो अपना पहला मैच खेल रहे होते हैं तो उन्हें यही मौका होता है करके दिखाने का, जबकि हमारे वाले आते हैं तो वो खेलते ही अपने लिए, तो फिर क्या फायदा। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई, जिस तरीके से कल इंडियन क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को धोया है उन्हीं के ग्राउंड में 32 साल बाद, उससे ये पता चलता है इस समय इंडियन टीम कितने कॉन्फिडेंस में है। इस समय इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कोई भी मुकाम इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि इस समय कॉन्फिडेंस इतना हाई है वो कोई भी मुकाम हासिल कर सकती है। और साथ ही साथ जबकि ये है कि आधी से ज़्यादा इंडियन क्रिकेट टीम भारतीय इंजरी की वजह से, उसके बाद ये जीत इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। जब भी आप आगे जाके देखेंगे जीत को हमेशा याद रखेंगे किस तरीके से हमारी क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई है, जो कि इस तरीके का एटीट्यूड रखती थी मानो गाबा में कोई उन्हें हरा ही नहीं सकता। और साथ ही साथ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी इनकी तारीफ कर रहे हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान की जनता, ये दिल देख के बहुत खुशी होती है किस तरीके से इंडिया ने नाम रोशन किया अपने मुल्क का, क्योंकि सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी पाकिस्तान है हमारी नज़रों में, उसके वहाँ से इतनी तारीफ सुनना एक हैरत की बात है, और इससे ये पता चलता है ये चीज़ कितनी बड़ी है। और आगे चल के ऐसी चीज़ और देखने को मिलेंगी, आशा करते हैं। धन्यवाद।